हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आसिफ टेक टॉक। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, पेमेंट चेक कर सकते हैं नेशनल स्कॉलरशिप का। अगर आपका जो स्टेटस अभी शो कर रहा है नेशनल स्कॉलरशिप का सेंड टू PFMS, तो आप चेक कर सकते हैं कि कितना आपके अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है पेमेंट, या फिर कितना क्रेडिट हुआ है। अगर आप के अकाउंट में क्रेडिट हो गया है ऑलरेडी तो भी चेक कर सकते हैं, नहीं हुआ है अभी तक तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि होने वाला कितना है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा। ठीक है, जो PFMS का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, जो कि मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप क्लिक करके इस पेज पर आ जाएंगे। जैसे ही इस पेज पर आते हैं तो यहाँ पर आपको बोला जाएगा बैंक नेम देने के लिए। ठीक है, तो जैसे जो भी आपका बैंक का नाम होगा वो आप बैंक के दो चार लेटर आप इंटर करेंगे तो सारे यहाँ पे लिस्ट आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से आप अपने बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपको इंटर करना है अकाउंट नंबर। एक बार दो बार आपको अकाउंट नंबर इंटर करना है जो आपने नेशनल स्कॉलरशिप में दिया था, तो कंफर्म करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ अकाउंट नंबर और आगे प्रोसीड करता हूँ। एक बार इंटर करने के बाद यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ दोबारा सेम अकाउंट कंफर्म कराने के लिए। ठीक है, जैसे ही इंटर हो जाता है दोबारा अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे आपको कैप्चा कोड इंटर करना है जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे है 5 ee 8 BCD, और यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही आपने सर्च पे क्लिक किया है, ठीक है, तो मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है, नाम दे रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे स्कीम का नेम दे रहा है। ठीक है, पर्पस जो दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ कैंपस अर्बन माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, ठीक है, किस एजेंसी ने भेजा है वो दे रहा है। और यहाँ पे मैं इस तरफ करूँगा तो बैंक जो अकाउंट अमाउंट है वो दिखा रहा है यहाँ पे 9300, ठीक है, जो कि क्रेडिट हुआ है। किस डेट को हुआ है वो भी यहाँ पर बता रहा है, बैंक ट्रांजेक्शन डेट 23/03/2019, यानी कि 23 मार्च को हुआ है। तो ये जो डेट है वो ट्रांजेक्शन डेट है, तो हो सकता है एक दो चार दिन के बाद आपके बैंक में क्रेडिट हुआ हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितना अमाउंट जो है क्रेडिट हुआ है या होने वाला है। यहाँ पे इस फॉर्म को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।